टॉप 5 बेस्ट फोन अराउंड 8,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के समय पर अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप कोई नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ चुका हूँ अलग अलग कैटेगरी के कुछ कमाल के स्मार्टफोन। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह शुरू करते हैं। आप मोटरोला का E13 कम प्राइस पर बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी कमाल के हैं। वैसे हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.5 इंचेस की HD प्लस की IPS LCD पैनल, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, और लगभग 400 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर सिंगल कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। जिसके आउटपुट की बात करें तो इमेज क्वालिटी में आपको डे लाइट में तो कोई शिकायत नहीं आती है, और वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर लगा हुआ है यूनिसॉक का T606 का चिपसेट, जो कि लगभग 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, बट आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन ऑनतू पर लगभग 1,80,000 के आसपास स्कोर करता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे ये फोन LPDDR4X और eMMC 5.1 की स्टोरेज के साथ में आता है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी, 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है। हालांकि गो एडिशन का सॉफ्टवेयर मिलेगा, लेकिन दोस्तों सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये अच्छी बात है। सो देखा जाए तो चीप प्राइस पर मोटोरोला की तरफ से काफ़ी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। 2 और 32 के लिए आपको देने होंगे लगभग 7,000 रुपये, पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके 4 और 64 के साथ में जाएँ, जो कि आपको मिल जाता है लगभग 8,000 रुपये की प्राइस पर। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले फ़ोन की तरफ, और अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर रियलमी का C30। क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक मिलता है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की आपको यहाँ पर HD प्लस की IPS LCD पैनल मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 400 नीट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो बजट के अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 8 और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। डे लाइट में आपको यहाँ पर ठीक ठाक आउटपुट भी मिल जाते हैं। वैसे काफ़ी सारे कैमरा मोड्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS, और फ्रंट से आप यहाँ पर HD प्लस की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है यूनिसॉक का T612 का चिपसेट, हालांकि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर आता है, लेकिन इस बजट के अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। डेली टास्क में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है, और आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर पाते हैं। वैसे दोस्तों इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज आपको मिल जाता है, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी बात है। सो देखा जाए तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है, 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट लगी हुई है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, लेकिन 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का स्लॉट, और दोस्तों ये फोन एंड्रॉइड 11 के Realme UI गो एडिशन पर आपको मिल जाता है। सो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है, सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की दोस्तों, तो नॉर्मली ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलता है लगभग 7,500 रुपये की प्राइस पर, अभी आपको 2GB रैम 32GB स्टोरेज के लिए सिर्फ और सिर्फ 5,749 रुपये पे करने पड़ेंगे, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा फोन है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। सो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ, और अगला स्मार्टफोन हमने रखा है उन यूजर्स के लिए जिन्हें दोस्तों इस बजट के अंदर कंटेंट वॉच करने के लिए एक बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले वाला फोन लेना है। सो आप यहां पर देख सकते हैं मोटोरोला का G31। अगर बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। सो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर जबरदस्त मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल लगी हुई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, 700 नीट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो भाई डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। कैमरास की बात करें बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर।
दोस्तों कैमरा सेटअप के साथ साथ आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी मिलती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G85 का चिपसेट। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको लगभग 2 लाख के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर देता है, यानी कि आप यहाँ पर अच्छी खासी गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। और उसकी बात करें तो बैक में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है। 10W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट। और दोस्तों ये फोन थोड़ा सा पुराना है जिस वजह से एंड्रॉइड 11 पर आता है, लेकिन एंड्रॉइड 12 का अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये फोन आपको स्टॉक UI के साथ में मिल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले और तो भाई काफी अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड भी है। सो आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। 464 के लिए आपको देने 9,499 रुपये। चलिए बढ़ते पर बैंक ऑफर पर। अभी ये स्मार्टफोन सिर्फ 8,500 रुपये की प्राइस पर आपको मिल रहा है और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली कमाल का फोन है। आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी फोन की, और आखिरी फोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर पोको का C55। जी हाँ दोस्तों अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है। वैसे बैक साइड में आपको यहाँ पर इको लेदर बैग दिया गया है जो कि काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिलता है। सो बिल्ड क्वालिटी इस बजट के हिसाब से टॉप नॉच आपको दी गई है। डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.71 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD पैनल आपको मिलती है। पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। 500 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट। डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा है 50MP का, इसके साथ आपको यहाँ पर एक VGA सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है 5MP का सेल्फी स्नैपर। वैसे दोस्तों स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा है 50MP का, उसके आउटपुट अच्छे निकल कर आते हैं। डे लाइट में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G85 का चिपसेट। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये अंततः पर लगभग 2,40,000 के आसपास स्कोर करता है। ऐसे स्कोर हमें ज़्यादातर 12 से 13 हज़ार वाले फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो भाई फोन की जो परफॉर्मेंस है ये तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज भी आपको दिया गया है। और उसकी बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी, 10W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए micro USB की पोर्ट दी गई है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आता है, जहां पर आपको मिलता है MIUI का 13। और एक और अच्छी बात है दोस्तों कि यहां पर आपको गूगल डायलर की बजाय पोको का कस्टम डायलर दिया गया है, तो आप चाहें तो यहां पर कॉल को रिकॉर्ड वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। फाइनली अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो दोस्तों 4 और 64 के लिए नॉर्मली आपको यहाँ पर 9,500 रुपये तक पे करने पड़ेंगे। बैंक ऑफर के साथ में ये स्मार्टफोन 8,500 रुपये की प्राइस पर मिल जाएगा। सो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले फोन की तरफ। और अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर Xiaomi की तरफ से Redmi 12C। जी हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। और बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों में ही काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं पर डिस्प्ले की बात कर ले तो फोन के अंदर 6.71 इंचेस की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल लगी हुई है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको दिया गया है। 500 nits की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है और नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट, 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के अकॉर्डिंग आपको अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 50MP का और 0.8MP का आपको एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए आपको दिया गया है 5MP का सेंसर। सो कैमरा सेटअप ठीक है, आउटपुट आपको यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं। डे लाइट में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। वैसे काफ़ी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12 बेस मीडियाटेक हीलियो G85 का चिपसेट। और ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 2,20,000 के आसपास स्कोर भी कर जाता है, तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी निकाल कर देता है। और इस बजट के हिसाब से आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज भी लगा हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है। 10W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जिंग के लिए micro USB की पोर्ट दी गई है, तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। बट ओवरऑल देखेंगे तो बैटरी मॉड्यूल अच्छा दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये लेटेस्ट MIUI 13 पर आता है, तो ये अच्छी बात है। सो अगर आप इस बजट के अंदर Redmi की तरफ से कोई अच्छा सा पावरफुल स्मार्टफोन ढूंढ रहे तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए इस समय आपको देने होंगे
लेकिन दोस्तों ICICI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर आपको 500 रुपए का ऑफ मिल रहा है, यानी कि 8500 रुपए की प्राइस पर आप इसे इफेक्टिवली परचेस कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस, ये थे वो 5 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं इस बजट के अंदर, और आपको इस बजट के अंदर काफी अच्छी गेमिंग भी कराते हैं और बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप एक बार उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। और दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।